से कम जो लेला है आपके पास या बकरा है वो कितने का मिल जाएगा? 60 से 70 हज़ार का। 60-70 हज़ार का कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नहीं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो दोस्तों आज 20 जून मंडे का दिन है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज का दिन कल के दिन से थोड़ा सा टफ है, क्योंकि कल का दिन तो बहुत ही प्यारा था, बारिश वगैरह हुई थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आज सुबह सुबह ही धूप निकली हुई है, देखते हैं आज कितनी गर्मी पड़ती है। तो दोस्तों अभी मैं ड्यूटी करके घर जा रहा था, हमारे तो मेरे दोस्त ने मुझे कह के मंडी का पता करना है, मवेशी मंडी का, जो कि हमारे गाँव के नज़दीक लगती है। तो मैं अभी मंडी में आया हूँ, मंडी में पता करने के लिए, क्योंकि हाफिज़ इजाज़ के कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि हर साल यहाँ पे बकरे छतरे लेके आते हैं। तो वो पूछ रहे थे कि मंडी लगनी है या नहीं लगनी वहाँ पे, या कहीं और लगनी है। तो इसी वजह से मैं मंडी का पता करने आया था कि यहाँ पे अभी मंडी लगनी है या नहीं लगनी, क्योंकि उनको बताते हैं फिर, तो वो फिर अपना माल डंगर ले कर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो अभी मैं मंडी के करीब आया हूँ तो ये देखने के लिए कि मंडी में इंतज़ाम वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि खाली प्लाट ही है अभी, लेकिन यहाँ पे इंतज़ाम वगैरह हो रहा है मंडी में, क्योंकि मंडी लगनी है। अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, अभी वो इंतज़ाम कर रहे हैं, अभी मेरा ख्याल है पानी वगैरह को बंदोबस्त नहीं है, तो आपको सारा दिखाते हैं। ये देखें जी, कुछ लोग अभी बकरे वगैरह लेके आए हैं, छतरे वगैरह, ये देखें अभी ट्रक से उतार भी रहे हैं कुछ बकरे छतरे। तो अभी मंडी वगैरह मेरा ख्याल है कि लगेगी यहाँ पे ही, तो हाफिज़ इजाज़ को हम थोड़ी देर बाद बता देते हैं कॉल करके कि यार यहाँ पे मंडी लगेगी, अपने रिश्तेदारों को बता देना। तो चलते हैं आगे, हाल चाल लें। ये देखें जी अभी मंडी में बकरे शकरे आ गए हैं, तो बकरे शकरे आने शुरू हो गए हैं, मंडी स्टार्ट हो गई है। हाँ जी भाई जान, क्या हाल चाल है? ठीक हो? और सुनाओ कब आए हो? हाँ जी, तो मंडी स्टार्ट होगी, अभी पानी वगैरह का इंतज़ाम हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं। अभी पानी का इंतज़ाम नहीं हुआ। तो ये कहाँ से पिला रहे हैं इनको पानी वगैरह? सास से ये दे रहे हैं पानी कि नहीं दे रहे? दे रहे। अच्छा, तो अभी इनका कोई निज़ाम नहीं, बोर शोर नहीं करवाए इन्होंने? अच्छा, तो जैसा कि भाई बता रहा था अभी इन्होंने कोई निज़ाम वगैरह नहीं किया पानी का, अभी बोर वगैरह नहीं हुए, तो सास से वो कहीं से ले रहे हैं, साथ ही रहशे हैं कोई, वहाँ से ये पानी वगैरह भर के ले के आ रहे हैं। तो इंतज़ामिया अभी काम कर रही है, लाइटिंग वगैरह कर रही है, तो इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे ज़रूर, उन्होंने बोर तो करवानी है, क्योंकि यहाँ पे जो जानवर है वो तो प्यास ही मर जाएंगे। तो अभी गर्मी बहुत है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जल्दी काम करेंगे जी। ये अमजद तो मेरे साथ साथ ही चल रहा है। हाँ हाँ जी, क्या बात है, क्या कर रहे हो? ये देखें ये दानिश पीछे पीछे जा रहा है और अमजद देखें साथ साथ चल रहा है। क्या चाहिए यार तुझे, बोलो क्या चाहिए? हाँ जी दोस्त, क्या हाल चाल है? और सुनाओ यार, कैसी मंडी आए कल, महंगी है कोई सस्ती है अभी? मंडी ठीक है, अभी चलेगी तो पता लगेगा। मसलन कितने का, जो कम से कम जो लेला है आपके पास या बकरा है वो कितने का मिल जाएगा? 60 से 70 हज़ार का। 60-70 हज़ार का, काफ़ी है अभी तो। हाँ जी, महंगी है ना, महंगी है, क्योंकि वो हुकूमत के लिहाज से जैसे पेट्रोल महंगा हुआ है, तो आप भी मेरा ख्याल है उसी हिसाब से हैं, किराए वगैरह आपको भी ज़्यादा पड़े हैं। तो चले देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मैं तो यार विज़िट करने आया था, मेरे दोस्त हैं कुछ, उन्होंने यहाँ पे माल डंगर लेके आते हैं वो डेरा गाजी खां से, तो इसलिए देखने आया था, तो इसलिए मैंने कहा देख लेते हैं क्या निज़ाम है यहाँ पे। अभी मेरा ख्याल पानी का निज़ाम भी नहीं है, तो अभी उनको रहने देते हैं एक दो दिन के लिए, जब पानी का निज़ाम हो जाएगा तो उनको बुला लेंगे यहाँ पे। अच्छा यार, थैंक यू, मेहरबानी। ये देखें जी भाई वहाँ से पानी भर के ले के आ रहा है बकरों के लिए, यहाँ पर अभी पानी का इंतज़ाम नहीं है। तो बकरे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं, इनको अल्लाह पाक इनको जो है इनकी प्रॉफिट दे, जो भी ये मांग लेके आए हैं। तो बहुत ही प्यारा निज़ाम है, अभी मंडी आस्ता आस्ता जो है ना शुरू हो गई है, तो ये पानी लेके आए इनको पिलाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी दानिश साहब, क्या कर रहे हो, बैठे हुए हो? तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, और घर में जाके शुगल मेला लगाते हैं, तो मंडी की का तो आपको मैंने दिखा दिया है, अभी घर की तरफ चलते हैं। अभी मंडी में ये देखें कि सारा इंतज़ाम हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लाइटिंग वगैरह का तो इंतज़ाम हो चुका है, बाकी जो पानी का सबसे ज़्यादा जो होता है ना पानी का होता है, क्योंकि गर्मी है जानवरों को पानी वगैरह पिलाना होता है, अभी पानी का निज़ाम यहाँ पे नहीं हुआ, तो आप देख सकते हैं। तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम बाहर निकलते हैं।
later. वेलकम बैक। तो दोस्तों अभी मैं घर पहुंच गया हूं, अभी नाश्ता वाश्ता करते हैं। वैसे तो मैं नाश्ता करके आया हूं, लेकिन इनको नहीं बताना कि मैं नाश्ता करके आया हूं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले यही सवाल करना है कि हमारे लिए नहीं लेके आया, तो इनको नहीं बताते, ठीक है ना। चुप करके इनको कहते हैं नाश्ता बनाए, नाश्ता करते हैं थोड़ा बोला, तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ जरा बेटा उठ गया, ये क्या कर रहे हो, खेल रहे हो बालू के साथ, खेल रहे हो, उठ गई हो आप, हैं आपके मामा सोई हुई है, आप उठ गई हैं, गंदा बच्चा, क्या कर रहा है मेरा बेटा, क्या कर रहे है, उठ गया, उठ गया। ये देखें ये भालू आजरा का है, आजरा का भालू के साथ सोई हुई है, हैं गंदे बच्चे। और सुनाओ। हाँ जी अम्मी जी, क्या कर रहे हो, टिक्कियां बना रहे हो, कौन सी टिक्कियां बना रहे हो, नाश्ता बनाया नहीं तो तुम टिक्कियां बना दी, तुम्हें पै गई हैं, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि नाश्ता भी मैं करना सी, हैं देख लो मर्जी है, हैं बुढ़ी मेरे चलो ठाणा ही बुढ़ी भी जी है ना मेरी, बस छड़ दो, है देखो जी यह टिक्कियां मेरी माँ बना रही है, तो जिमें कि तुम खाने हैं टिक्कियां, यह जी क्रोशिए टिक्कियां बन रही हैं, तो नाल हाजरा वेखो जी टिक्कियां का वल चिकन नहीं है, तू हैं गंदी बच्ची, क्या कर रही हो, क्या कर रही मेरी बेटी, क्यों कर रही है टिक्कियां, टिक्कियां बना रही हो, हैं गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। दोस्तों आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सारी रात मैंने ड्यूटी की है, तो जिन लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।